लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो वही जो गोल पोस्ट है उसका अंदरूनी हिस्सा यहाँ से मार करके यहाँ 9 मीटर इसके बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर यहाँ से हम इधर करके एक सेमी सर्कल बना देते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही, इसके बिल्कुल स्ट्रेट तक टैप लाएंगे तो यहाँ से ये इस तरह करके बना देगा। और जो सामने वाली लाइन होती है वो हमेशा स्ट्रेट इस तरह की रहेगी, ठीक। यहाँ पे हाथ से ऐसे जब अपन बना दें तो प्रॉपर दिखता वो अच्छा आपका बनाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट वाली चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि मार्किंग जब भी करेंगे तो गोल पोस्ट का इनर है यहाँ से, और जो सर्कल बनाना है तो पहले बिल्कुल स्ट्रेट टेप लेके हाफ सेमी सर्कल, तो दूसरी तरफ हाफ सेमी सर्कल और सामने स्ट्रेट लाइन सीधी मिला दो टैप रख के, एक्यूरेट आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। जब भी डी बनेगी इन चीज़ों में, ये डॉट ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर बच्चे, कभी आपने देखा हो किसी ग्राउंड में बड़े डॉट रहते हैं, किसी में छोटे डॉट रहते हैं, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से बना देते हैं। पर नियम के अकॉर्डिंग ये जो लाइन रहती है वो 30 सेंटीमीटर की रहेगी, उसके बाद गैप भी 30 सेंटीमीटर का रहेगा, फिर 30 सेंटीमीटर का डॉट रहेगा। जब भी ये डॉटेड लाइन बनाना है 30 सेंटीमीटर मार्क, फिर गैप, फिर 30 सेंटीमीटर मार्क, ये नियम है, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि भाई ये डॉटेड लाइन में कितने डॉट रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई अनगिनत डॉट ऐसे नहीं रहते, काउंटिंग वाले डॉट, बस ये ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर मार्क, 30 सेंटीमीटर गैप, कितने भी हो सकते हैं, ठीक। तो जनरली एक एवरेज लगा लेते हैं, ज्यादातर कोर्टों में गिन के बता देते हैं, कोई 32 बता देता है, कोई 33 हो जाता है, ठीक है, पर वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक हमारे पास ये है कि 30 सेंटीमीटर की मार्क, ये जो डॉट है ये 30 सेंटीमीटर का, उसके बाद ये गैप है 30 सेंटीमीटर का, फिर डॉट है 30 सेंटीमीटर का, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसको और मैं ऐसे करके मार्क कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये तो सबको पता है 9 मीटर लाइन अपनी हो गई, ठीक है, 9 मीटर। अब जब जिसको हम 7 मीटर थ्रोट मार्क बोलते हैं, ठीक है, जनरली अपन आम भाषा में उसको पेनल्टी थ्रो या पेनल्टी बोल देते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज उसका 7 मीटर थ्रो मार्क, ठीक है, यहाँ से क्योंकि 7 मीटर थ्रो लिया जाता है, ठीक। ये बिल्कुल सेंटर लाइन से जो लाइन है अपनी 8 सेंटीमीटर की, उसके पिछले भाग से मार्क करते हुए इंक्लूड रहेगी उसमें, और इस वाले मार्क का ये, ठीक है, ये पूरा ये जो लाइन है ये इंक्लूड रहेगी मार्किंग में, ध्यान रखना। इसलिए अगर इस लाइन को जरा सा भी टच करते हैं लाइन कट देता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है मार्क उससे कुछ पैर दूरी पर रखें अपन, ठीक, ताकि गलती से अपना पैर खिसके भी ना तो वहाँ लाइन तक ना पहुंच पाए। जो नए बच्चे ज्यादातर अपने खेलने जाते हैं स्टेट वगैरह में, वो बिल्कुल कहीं तो देखे लाइन के ऊपर ही पैर रख लेते हैं, और ऐसे उनको समझाता है, ठीक है, बहुत से रेफरी नहीं समझाते तो कट दे देंगे, ठीक है, और जो सीनियर रेफरी होते हैं वो बता देंगे बेटा लाइन से पीछे पर रखना आपको, ठीक, ताकि हम लोग का पैर खिसके कुछ भी हो तो लाइन कट ना हो पाए। अगर आपका जरा सा भी लाइन पैर पर टच होगा, ठीक है, तो आपका थ्रो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक, वो कटिंग मानी जाएगी आपकी। ये लंबाई हमेशा 1 मीटर लंबी रहती लाइन, कभी आपने देखा कोई जरा सी रख देता, कोई बहुत ज्यादा लंबी रख देते, तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। जो एक लाइन ऐसी लंबी लाइन खींचेंगे वो 1 मीटर की रहेगी, ठीक। आपने एक और चीज देखी गोल पोस्ट, गोल के अंदर एक छोटा सा टिप मार्क यहाँ भी रहता है अंदर, देखा किसी टूर्नामेंट खेलते में, कोई गोलकीपर होगा एक्सट्रोन ने देखा होगा, ठीक है, तो ये नहीं पता होगा ये रहता, ये मार्क तभी रहता है जब आदमी 7 मीटर थ्रो मारेगा तो गोलकीपर इस जो मार्क है 4 मीटर का उससे आगे नहीं आएगा डिफेंस करने, ठीक। मतलब जनरली क्या नहीं तो क्या होगा, बहुत लंबा गोलकीपर है, ठीक है, हाथ पर लंबे है तो यहाँ आके खड़ा हो जाएगा गोल के सामने पर, गोल कैसे मारेगा वो गोल, ठीक। तो इसलिए नियम बना हैंडबॉल में 3 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, 4 और 3 7 हो जाएंगे, यहाँ 4 मीटर इसलिए रखता है, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हैंडबॉल में थ्रो लेते हुए, ठीक है, जो डिफेंसिव प्लेयर है उसको हमेशा 3 मीटर अवे रखना है, ठीक है। जैसे अब मैंने पहले भी आपको बताया कि ज्यादातर लोग आप कहने लगे 3 मीटर सर 3 मीटर, ऐसा कोई मांगने का कोई रूल ही नहीं है, ठीक है, ये रेफरी की ड्यूटी है और ये नियम है हैंडबॉल में कि आपको जो फ्री थ्रो जब भी लोगे कोई सा भी थ्रो लोगे तो जो डिफेंसिव टीम है, ठीक है, जो विपक्षी टीम है उसके खिलाड़ी को उस बॉल वाले जिसके हाथ में बॉल है उससे 3 मीटर की दूरी पर ही रहना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता हो, बार बार नियम का उल्लंघन करता तो उसको पर्सनल पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, ये नियम आप लोग जान लो, कहीं भी जाओगे तो ये बता देना ये किसी को भी, ठीक, ये चीज़ ज्यादातर ये बच्चों को किसी को भी नहीं पता, ज्यादातर मैंने बहुत से देखे जो नए बच्चे सब उनको ये बताया कि 3 मीटर मांग लो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नियम है नहीं 3 मीटर मांगने का, ठीक है, जो अच्छे रेफरी आप उसको बताएंगे। जैसा मार्किंग से इस पर समझ में आता है, ठीक है, ये 9 मीटर है, ये 6 मीटर है, इन दोनों में कितने का गैप है 3 मीटर, तो जब भी 9 मीटर फ्री थ्रो लेगा आदमी को यहाँ से बच्चा तो डिफेंसिव टीम है उसको 6 मीटर लाइन के बाहर बिल्कुल एग्जिट खड़े हो जाना है, तब वो 3 मीटर होगा, ठीक। ऐसे अगर 7 मीटर पर कोई थ्रो करेगा प्लेयर
7 मीटर तक या पेनल्टी लेगा तो गोलकीपर को अधिकतम इतने दूर तक रहने का अधिकार है 4 मीटर तक, तो अपने आप 3 मीटर का गैप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये रूल स्पष्ट रूप से दिखते हैं तो यही नियम है, तो ये आप उदाहरण में बता सकते हो। कोई अगर पूछे कि ऐसा कहाँ लिखा है, रूल बुक में लिखा भी है और सामने आपके यहाँ मार्किंग में भी स्पष्ट होता है कि इसलिए 3-3 मीटर का गैप देके मार्किंग करिए ताकि 3 मीटर डिस्टेंस पर रहे विपक्षी खिलाड़ी बॉल वाले से। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस तरफ आया मुझे जाऊँगा, ठीक। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा नए बच्चे सब्स्टिट्यूशन में गलती करते हैं हमेशा। ठीक है, हैंडबॉल में सब्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड, सबको पता, बिना किसी को बताए हम लोग गोल पोस्ट में आ सकते हैं, ग्राउंड में बाहर आ सकते हैं। ठीक है, जब खिलाड़ी, तो ये सेंटर लाइन है, उससे यहाँ एक मार्क करा रहता है सब्स्टिट्यूशन एरिया, इसको बोलते हैं। ठीक है, लगभग इसका ये रहता है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर का। ठीक है, ये मार्क एरिया, इस लाइन से मार्किंग इंक्लूड होगी और ये चीज़ है ये इंक्लूड रहेगी इसके ना, ये ऐसा ग्राउंड में इंक्लूड, अगर इसके ऊपर पैर रखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती किसी को। ठीक है, बहुत से टूर्नामेंटों में, छोटे लेवल के टूर्नामेंटों में कई बार बेचारा बच्चा गलती से इस पर पैर लाइन रख देता तो उसको पनिशमेंट दे दिया जाता है, फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो गलत है, ये जो मार्क है वो इंक्लूड है। ठीक है, इसको यूज़ कर सकता है, पहले इसको पैर रख के अंदर जा सकता है। ठीक है, इन चीज़ों में ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, ए टीम यहाँ बैठेगी। ठीक है, ए टीम, वो टीम के खिलाड़ी इधर से अंदर बाहर आएंगे। ठीक, और बी टीम जो यहाँ बैठेगी सब्स्टिट्यूशन बेंच। ठीक है, बी टीम के खिलाड़ी के लिए भी ऐसा रहेगा एक एरिया, वो इस तरफ से अंदर बाहर आएंगे। ठीक, सब्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही बात ध्यान रखना कि अगर प्लेयर को अंदर जाना तो पहले उस टीम के प्लेयर को चेंज अगर करा, कोई अंदर आओ को बुलाना तो वो पहले बाहर आना चाहिए। जनरली में जो फास्ट खेलों में गलती यही बच्चे कर देते कि जब सब्स्टिट्यूशन के लिए जाना दौड़ के तो प्लेयर बाहर आने से पहले अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बुलाया जाता है फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर एडिशनल प्लेयर अंदर होगा तो जो प्लेयर अंदर गया है उस प्लेयर को 2 मिनट सस्पेंशन मिल जाता है बाहर बैठने के लिए। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है। और जो प्लेयर एक, इसका पनिशमेंट एक प्लेयर अंदर 1 मैन लेस से खेला जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा टिपिकल है तो वो आपको फिर बाद में बताएंगे। ठीक है, इस चीज़ में पूरे एक अलग से सेशन लेंगे आपके फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी आपको जानने के लिए सिंपल सा चीज़ कि ये जो एरिया के अंदर से हमको सब्स्टिट्यूशन बाहर अंदर बाहर करना है, जब प्लेयर पूछता बाहर आया तब दूसरा प्लेयर अंदर जाए। ठीक है, तो ये कितनी बार कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, तो यहाँ कई बार एक कोचिंग जोन हम बनाते हैं नेशनल टूर्नामेंटों में इस तरह से, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइन है क्या ये लाइन। ठीक है, इस तरह एक कोचिंग जोन होता है उसमें, उसको मिटा दूंगा, यहाँ लिख देंगे 4.5। ये होती है ऑफिशियल टेबल, यहाँ बैठी रहती है टेबल, टेबल ऑफिशियल बैठते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ कोचिंग जोन है, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो ये सिर्फ जो ऑफिशियल है, कोच ऑफिशियल बैठे हैं वो इधर ना जाएंगे डिस्टर्ब करने। ठीक है, इसलिए बनाई जाती है, ये कोई हिस्सा नहीं है उसका। ठीक है, ये सिर्फ कोचिंग जोन हिस्सा, ऑफिशियल की जानकारी होनी चाहिए टीम के कोच में उनके लिए। ठीक है, पूरा यहाँ से लेके एक लंबी लाइन, आजकल और लंबी मार्किंग कर दिए पूरे ऐसे क्लोज करके, ताकि एक पूरा एरिना जो ऑफिशियल टेबल बैठे उनका एरिना पता चलते जाएगी। ठीक, उन चीज़ों को कोचिंग जोन को हमेशा मार, ये सेंटर लाइन से 3.5 मीटर का कोचिंग जोन की मार्क, ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाती है 2 मीटर पीछे तक। ठीक है, और मैक्सिमम जो टीम एरिया बैठी है यहाँ से लेके यहाँ तक, टीम के ऑफिशियल कोच, ठीक है, बैठ सकते हैं। अगर इस एरिया के बाहर जाता है कोई भी ऑफिशियल या खिलाड़ी, ठीक है, तो उसको पर्सनल पनिशमेंट मिलती है। ऐसा नहीं आप यहाँ बैठे हुए और मैच चल रहा तुम घूम के चले गए, अगर घूमने चले गए कहीं यहाँ, ठीक है, ये भी हैंडबॉल में अलाउ नहीं है। ये तुम लोग बहुत जरूरी जानकारी, बहुत से बच्चे देखे हैं कि मैच इधर चल रहा, कोई उठ के उधर बिना कुछ पानी पीने चला गया, बिना कुछ करने इधर चला गया, ठीक है, बहुत दूर वो नहीं जाना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल इस पर निगरानी रखते हैं। ऐसे ही कोच, जो तुम्हारा कोच है या असिस्टेंट कोच है, जितने भी ऑफिशियल है, उसको भी इतना ही अधिकार है कि वो यहाँ से यहाँ तक अपना मूव कर सकता है, ठीक है, या बैठ सकता है। ऐसा नहीं कोचिंग यहाँ देखे कोचिंग चला गया या यहाँ देने कोचिंग चला गया, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, मिलता ही है। ठीक है, ये उसका एरिया है कोचिंग जोन, इसको कोचिंग जोन, ठीक है, यहाँ लिख दें, यहाँ भी लिखते हैं सी और जेड, यानी कोचिंग जोन है ये पूरा। ठीक है, इसमें जल्दी इंटरनेशनल लेवल, और इसमें अक्सर देखा है सिर्फ एक बार में एक ही ऑफिशियल खड़ा होकर कोचिंग देता है। ठीक है, अपने छोटे टूर्नामेंटों की बात अलग है, यहाँ पर दूसरे भी कोच बन जाते हैं वहाँ। ठीक है, पर नियम
एक बार में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड ऑफिशियल कोच जो है वो खड़ा होगा, बाकी बैठ के आप कोचिंग दे सकते हो, ऐसी बात नहीं, मुंह बंद रखना ठीक है, पर पूरे प्लेयर है उसके खड़े नहीं हो सकते उसमें, ठीक, वहाँ सबकी टीम बेंच लगी रहती है, पूरी पूरी जगह होती है बैठने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इसकी पार्किंग के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आप जब खिलाड़ी रहोगे तो खिलाड़ी को जब तक नियम का ज्ञान नहीं होगा तब तक अच्छा खेल नहीं खेल सकता, ठीक है, तो नियम भी आपको जरूरी है, नियम का नॉलेज होगा तो आप अपने खेल की स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप फाउल लेने में कम से कम मिरर करोगे, ठीक, जनरली बच्चों को पता नहीं रहता फाउल कहाँ से हुआ है तो कन्फ्यूज होते रहते हैं, गलत फाउल करते हैं तो रेफरी उनको बार बार करता है तो मैच डिले होता है, ठीक। फ्री थ्रो का मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही वीडियो में फ्री थ्रो के लिए, या फ्री थ्रो जिस जगह से फाउल हुआ है हैंडबॉल उसी जगह से हुआ है, मान लो दौड़ते हुए हम लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ फाउल हो गया तो ये टीम के प्लेयर कोई भी प्लेयर आके यहाँ से बॉल फेंक सकता, ठीक है। अब ये तो गई मार्किंग इसमें, ठीक है, अब नई मार्किंग जो हम लोग ने वहाँ टूर्नामेंटों में देखी, अब नए वीडियो में आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, एक क्रॉप एरिया उनने इसमें इंक्लूड कर दिया बीच में, ठीक, तो लेटेस्ट अभी आने वाले समय में अब आपको यही वाली हैंडबॉल की मार्किंग दिखेगी, ठीक है, ये ऐसा एक सर्कल मार्क कर दिया हैंडबॉल में, ठीक है, क्लियर, इसको बोलते हैं थ्रो ऑफ एरिया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, थ्रो ऑफ एरिया, ठीक है, यानी जब गोल पड़ने के बाद अब मैच शुरू होगा तो उस गोले के अंदर से होगा, ठीक है, मैच जैसे गोल पड़ता है किसी टीम का, ठीक है ना, तो सीधा गोलकीपर डायरेक्ट बॉल फेंकेगा कोई भी प्लेयर, ठीक है, ऐसा जरूर नहीं है अपने यहाँ गलती रहती कि क्रिकेट प्लेयर जाएगा या दूसरा प्लेयर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं, कोई भी प्लेयर इस गोले के अंदर आएगा वो बॉल मिली और तुरंत स्टार्ट कर सकता है दौड़ते हुए भी, ठीक है, कैसे भी, जरूर नहीं कि वहाँ आके खड़ा हो, गोले के अंदर उसका एक पैर होना चाहिए फास्ट स्पीड के लिए, जैसे अपने तुरंत तुरंत गोल पड़ा आपने तुरंत बॉल फेंकी तुरंत गोल मार सकता है, ठीक है, विद इन सेकंड में, ठीक है, तो इसके लिए थ्रो एरिया के ये चीज बनाई गई है, क्लियर है, ठीक, एयरफोन इधर से चालू कर दे, तो ये आप ध्यान देना, ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम डिफेंस कर रहे हैं तो जो डिफेंसिव प्लेयर है वो गोले के बाहर खड़ा हो सकता है, गोले के अंदर नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए, गोले का इंपॉर्टेंस है, यहाँ अटैकिंग प्लेयर, ठीक है, और ये बाहर डिफेंसिव प्लेयर आते हैं, नहीं तो जनरली कई बार होता है लास्ट मैच चल रहा है लास्ट समय में तो जो प्लेयर बेचारे लाइन से थ्रो होते थे तो सामने खड़ा हो जाता था प्लेयर आके तो विवाद के वजह से होता था, तो थ्रो आप उसको स्टार्ट नहीं लेने देता देखते मैच खत्म हो गया, तो इस चीज़ को भी दूर करने के लिए गोले का ये नया लॉन्च किया तो भाई पूरा मौका हो उसको गेम स्टार्ट करने के लिए, जनरली क्या विदिन अगर 5 सेकंड बचे हैं गोल पड़ा तुरंत उसने बॉल फेंक दी और डिफेंसिव प्लेयर ने उसको यहीं पकड़ लिया उसको थ्रो भी नहीं लेने दिया इतने बाद हो तो विसिल बज गई टेबल से, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे चांसेस होते थे किसी के साथ अनहित होने का था, तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए सेम ये थ्रो एरिया सर्कल का हुआ कि इस सर्कल के अंदर डिफेंसिव का कोई भी खिलाड़ी नहीं आएगा तो यहाँ खड़ा होकर किसी भी डायरेक्शन में बॉल फेंक सकता है अटैकर प्लेयर, ठीक, और विद इन 5, इससे बहुत अच्छे हैंडबॉल में मतलब और ज़्यादा स्पीड मिलेगी इससे, पहले डिले होता था अक्सर, कई बार लाइन का ध्यान नहीं रहता था प्लेयर को तो रेफरी उसको रिस्टार्ट करने के लिए बुलाते थे, ठीक है, वापस जाओ, इससे ये झंझट खत्म होगा, गोले के अंदर होना सबको जानकारी होगी, प्लेयर को तुरंत पहुंचेगा और स्टार्ट करेगा तुरंत, ठीक है, हैंडबॉल मतलब और फास्ट गेम बढ़ेगा इससे, अभी सबसे ज़्यादा फास्ट है इस गोले से स्पीड और फास्ट हो जाएगी उसकी, है ना, कोई की स्टार्ट लेने की थ्रो, ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट नए चेंजेस कुछ हैंडबॉल में कोर्ट की मार्किंग के एरिए में, ठीक, अब आने वाले दिनों में आपको जो और नियमों में परिवर्तन हुए उनके बारे में बताएंगे और ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है उसका कारण, ठीक, इतना ही आज।